हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान, एंड आई एम एहसान अनवर अगेन एट योर सर्विस विद अ न्यू वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल से क्लियर है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर डेट इज़ फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसे मैंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रॉब्लम्स टाइटल के अंडर रखा है। स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी कई दफ़ा डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, कई दफ़ा आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो AIEEE, AIPMT और कई यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो कि 12th लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, उस एग्जामिनेशंस में भी ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आस्क्ड हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को बनाने से आपके कॉन्फिडेंस में, कॉन्फिडेंस लेवल में एक बूस्ट आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ होगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ को लर्न करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका प्रैक्टिस करना, इनफ प्रैक्टिस करना। तो इसी सब बातों को ख्याल में रखते हुए मैंने खासकर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रॉब्लम्स टाइटल के अंदर रखा है, और इस तरह के क्वेश्चंस का ये आज पहला शीट है। इस तरह के कई शीट्स आपको और भी दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ क्वेश्चंस को ही कलेक्ट किया है, और ये क्वेश्चंस को आपको पहले खुद अटेम्प्ट करने हैं, और उसके बाद फिर जल्द ही आपको इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा, जिससे आप अपने गिवन क्वेश्चंस के आंसर्स को अपने गिवन आंसर्स को मैच कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स, सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो आपको बनाना है, और ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है जो AIEEE, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पहले AIEEE के नाम से भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते थे, जिसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस में BTEC के लिए आपका नाम सेलेक्ट किया जाता था। तो ये अब तो ये एग्जामिनेशंस नहीं होते, क्योंकि AIEEE को अब ख़त्म कर दिया गया है। तो उसमें ये क्वेश्चंस आस्क्ड है, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इनर्शिया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। पहले आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, और बहुत जल्द ही इसका सॉल्यूशन वीडियो, इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो भी आपको आपके इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स आपका क्या है, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड देर इज़ अ डिफरेंस, वेरी माइनर डिफरेंस वाइल राइटिंग द डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बट बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, तो आपको इन डिफरेंस को भी ख्याल में रखना है। और मैं जब आपको सॉल्यूशन वीडियो बताऊंगा तो इन सारे पॉइंट्स को भी मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लैटेंट हीट, यानी कि लैटेंट हीट के डायमेंशनल फार्मूला को आपको लिखना है। और ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने AIEEE के क्वेश्चन बैंक से ही मैंने लिया है। AIEEE में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और AIPMT में भी ये क्वेश्चन आया है। तो आप पहले इसका खुद से आंसर लिखें कि ये इसका आंसर क्या होता है, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर तो बताऊँगा ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम विल बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में कलेक्ट किया है वो सारे आस्क क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन आपका आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स पहले आप सॉल्व करें, आप किस तरह सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आपका आता है, और उसके बाद फिर हम लोग इस पर मोर डिस्कशन करेंगे।
और कुछ कन्फ्यूज़न अगर आपका क्रिएट होता है तो वो भी मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 अब क्या है, व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72 सेकेंड्स ऑफ आर्क। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। तो इसमें आपका स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपका प्लैनेट जुपिटर का डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ ये गिवन है आपका, और इसका एंगुलर डाया ये आपका एंगल गिवन है, डैट इज़ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा इज़ गिवन, और डिस्टेंस भी गिवन है, आपको फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द जुपिटर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट्स दे दूं कि आपने फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस एक टेक्निक आपने पढ़ा होगा, एक मेथड जिसका नाम पैरालेक्स मेथड है, पैरालेक्स मेथड। तो ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका पैरालेक्स मेथड से ही सॉल्व होगा। तो पहले आप इसे खुद से सॉल्व करें, फिर देखते हैं स्टूडेंट्स आपका क्या आंसर आता है, और देन वी विल सॉल्व विद द सेम टुगेदर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, एड एंड राइट द रिजल्ट विद रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड आपके क्वेश्चन क्या है, 288 + 0.2376। स्टूडेंट्स आपको ये ऐड करना है, देखने में तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा कि इसे ऐड करने में क्या है, जस्ट टू नंबर्स हैं और आपको इसे ऐड कर देना है, बट आपको ध्यान देना है, यू हैव टू राइट योर आंसर विद रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो किस तरह आप अपने आंसर्स को एक्सप्रेस करते हैं, इन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपको ध्यान देना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आस्क्ड है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई एंड राइट द रिजल्ट विद रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, डैट मीन्स 2.8 को आपको 0.181 से मल्टीप्लाई करना है, एंड यू हैव टू एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स एज पर द रूल्स यू हैव स्टडीड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑपरेटिंग नंबर्स विद रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले आप इसे खुद से सॉल्व करें और देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, राइट द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डैपोल मोमेंट। ये भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो राइट द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डैपोल मोमेंट, और ये आपके CBSE एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कई बार पूछा गया है। तो इसका आप पहले खुद से आंसर लिखें क्या आंसर होता है, और फिर आपको सॉल्यूशंस में सारे आंसर्स तो मिल ही जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड विद क्रोनोमीटर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी मैंने AIEEE से लिया है, AIEEE में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड विद क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देन यू हैव टू नेम दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाई क्रोनोमीटर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द डायमेंशनल फार्मूला, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है वो आपको लिखना है। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से जो फोर्स का एक फार्मूला आया था, F = g m1 m2 / r² तो इस फॉर्मूले में ये जो आपका जी था, ये जी ही क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये आपको लिखना है। तो ये था स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मैंने शीट 1 में 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, तो पहले आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद से दें और देखें कि आप कितने आंसर्स को इजीली कितने क्वेश्चंस को इजीली आंसर दे पाते हैं, कितने क्वेश्चंस का इजीली आंसर दे पाते हैं, और उसके बाद बहुत जल्द आपको इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशंस वीडियो आपको आपके अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि किस आप ये क्वेश्चंस किस तरह के थे, और आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और
किस क्वेश्चंस का आप डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू।